किसान जी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी धान की फसल गिरने के बारे में, क्योंकि काफी सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि हमारी धान की फसल को हम गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों। मैं आपको ऐसे तीन फॉर्मूले बताने वाला हूँ, तीन ऐसे कृषि कार्य बताने वाला हूँ। अगर आप इन ऐसे तीन कृषि कार्य पे कार्य करें तो आपकी धान की फसल कभी नहीं गिरेगी। तो इस वीडियो को किसान भैया पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, कोई आपका खर्चा नहीं होने वाला है, बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं किसान भैया, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आपका धान की जो फसल है वो बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारे किसान भैया हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अन्य आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं और वो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहे। किसान भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो कौन सी फसल पे चाहते हैं। अगर आप जिस फसल पे वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगली वीडियो में उस फसल पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि हमें धान की फसल को किस प्रकार से रोक सकते हैं गिरने से। तो किसान भाइयों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर हमारी धान की फसल गिर जाती है तो हमारे जो घाटा है 15-20% में घाटा देखा जाता है, क्योंकि हमारी जो दर होती है 15-20% कम निकल करके आती है, क्योंकि हमारा धान गिर जाता है तो काफी ज्यादा सड़ जाता है, जिससे हमारे काफी ज्यादा घाटा भी देखने को मिलता है, पुआल भी सड़ जाता है, जिससे और ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो हम किस प्रकार से रोक सकते हैं किसान भाइयों, तो इसमें कोई भी ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है, ना कोई स्प्रे करना है, बस आपको बेसिक से तीन चीजें जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। किसान भाई, जब आप देख लें, जब आप सिंचाई कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई बहुत ही सही समय पर करना है और बहुत ही सटीक समय पर करना है, ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि धान की बालियां निकले और आपने सिंचाई कर दी। किसान भाई, जब आप सिंचाई करो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बालियां निकल आई है तब तो आप सिंचाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर आपकी बालियां पीली पड़ रही है, यानी कि पकने की कगार पर, देखा होगा आपने कि आपकी जो बालियां होती है 80% 40% पक जाती है, तो उस समय पर आपको सिंचाई नहीं करना है। किसान भाई, अगर आप उस समय पर सिंचाई करते तो हमारे धान की जो फसल होती है वो एकदम गिर जाती है, क्योंकि उनका तना कमजोर होता है उस समय पर और हाइट ज्यादा, वजन ऊपर ज्यादा होता है, तो जिससे हमारी जो बालियां होती है वो तिरछी होकर हमारे धान गिर जाते हैं। दूसरा कार्य ये करना है किसान भाई, जब आप सिंचाई कर रहे हो तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप सिंचाई उस समय पर बिल्कुल ना करें जिस समय पर तेज हवाएं चल रही होती हैं, क्योंकि इस समय पर काफी ज्यादा हवाएं भी चल रही होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई उस समय पर करना है क्योंकि जिस समय पर सिंचाई करते समय हवा ना चल रही हो। आप एक कार्य और कर सकते हैं किसान भाई, आप लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग सिंचाई करते हैं, उस समय पर हवाएं नहीं चलती है, तब आपको काफी अच्छा फायदा होगा। तीसरी चीज किसान भाई, आपको और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तीसरी चीज को करते हैं तब भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी बालियां निकल रही है, कहीं कहीं पर बालियां निकल रही है, कहीं पर निकल आई है, उस समय पर आप किसान भाई पोटाश का प्रयोग अवश्य करिएगा, क्योंकि अगर पोटाश का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी बालियां तो मजबूत होती है, लेकिन साथ में तना भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे अगर तने पे कितना भी वेट भार आ जाए और हमारी जो बालियां होती है वो कितनी भी वजनदार हो जाए, लेकिन तना मजबूत रहेगा तो हमारा धान बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो किसान भी इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल को गिरने से बचा सकते हैं, अगर आप इन तीन छोटे छोटे कार्यों को करते हैं। इनमें कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इन कार्यों को करना है। अगर आप इन कार्यों को ध्यानपूर्वक करते हैं तो आप अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हो, गिरने से 100% बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समय में आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसानों तक पहुँच सके और वो हमारी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। तो किसान भाई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो कौन सी फसल पर चाहते हैं। मैं आशा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट पर मैं अगली वीडियो बनाऊँ। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।